नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को यहां एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 30 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को एनालिसिस कर लिया था। आज 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स को भी एनालिसिस किया था उसके आधार पे आज हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो रिवाइज करने के लिए सबसे पहले उसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा और इस वीडियो के एंड में इन क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगा। शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ जो आप लोगों के कमेंट्स थे उसको लेकर मैं उसे आंसर कर दूं। एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आने वाला है। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एक तो सम परीक्षा का एग्जाम होने वाला है जो कि आपका कब होगा, ये सम परीक्षा का एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है, 2 जनवरी को। इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर कब तक का पढ़े ये सवाल था। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए करेंट अफेयर जो है, आप बेहतर अगर स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1 साल का करेंट अफेयर पढ़कर जरूर जाए, चाहे वो सम परीक्षक हो, चाहे आपका CGPSC का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है कब, 13 फरवरी को। तो इन सभी के लिए कम से कम आप 1 साल के करेंट अफेयर को पढ़ के जाएंगे बेहतर तरीके से। लास्ट में किसी भी चीज को मत पढ़िएगा, लास्ट में सिर्फ रिवीजन का वक्त होता है। आप पूरे साल भर करेंट अफेयर को पढ़ो और लास्ट में रिवीजन कर चलो। तो चाहे सम परीक्षक हो, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम आने वाला हो, चाहे CGPSC का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला हो, उसके लिए आप 1 साल के करेंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाएंगे। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का था कि जो मैराथन क्लास अभी आया था कब, लगभग 25-26 नवंबर को हमने मैराथन क्लास किया था जो ACF का एग्जाम होने वाला था या फिर मंडी निरीक्षक का होने वाला था, तो उस एग्जाम को टारगेट में लेकर और CGPSC वाले लोग भी उससे बहुत हद तक अपना रिवीजन किए हैं और उनको भी बहुत हेल्प मिला है। तो अगला मैराथन क्लास कब होगा ये भी आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था। तो अगला मैराथन क्लास मैं आपको एक अप्रोक्स डेट बता देता हूँ, इसी डेट के आसपास में होगा। ये मानकर चलो आपका 30 जनवरी 2022 को होगा। आपका पेपर कब है, 13 फरवरी को। तो 30 जनवरी को एक मैराथन क्लास होगा छत्तीसगढ़ का और एक मैराथन क्लास होगा नेशनल और इंटरनेशनल का भी इस बार, और इसका डेट क्या होगा मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। तो मैराथन क्लास होगा ये कंफर्म है, डेट अप्रॉक्स है, डेट अभी मैं फाइनल आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैराथन क्लास हम करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल भी करेंगे और छत्तीसगढ़ भी करेंगे, पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। मैराथन करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपका पूरा करेंट अफेयर जो है लगभग तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाता है लेकिन सिर्फ रिवीजन के लिए। पूरे साल भर का करेंट अफेयर पढ़िए और मैराथन क्लास से आप लोग रिवीजन करिएगा। तो मैराथन क्लास का जो वेट कर रहे हैं उनको मैं बता दिया कि मैराथन क्लास होगा, कब होगा ये आने वाले समय में आपको क्लियर बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके आधार पे यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को पारंपरिक किस्मों से संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैरायटीज हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। इन सभी टॉपिक्स को हमने पिछले लेक्चर में बेहतर तरीके से एनालिसिस किया और पिछला वाला जब लेक्चर आया था तो बहुत सारे लोगों को शिकायत था कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो प्लेलिस्ट में जाकर अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप वहां से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हम वीडियो को टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके या टेलीग्राम चैनल पर जाके भी आप वहां से अपडेटेड रह सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से भी अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, कमेंट के फर्स्ट कमेंट में पिन भी किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है आप लोगों तक, तो वो आप लोगों के लिए अपडेटेड रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को टॉप 10 में स्थान प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा और पिछला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा। ऑप्शन इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। अगला, नीति आयोग द्वारा 23 नवंबर 2021 को जारी
सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के किस नगरीय क्षेत्र को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। रैंक प्रोवाइड नहीं कराया जाता, फ्रंट रनर, अचीवर या फिर इस तरह से कुछ कुछ कैटेगरी होता है, उसी कैटेगरी में शहरों को या फिर अर्बन बॉडीज को जो है स्थान प्राप्त किया जाता है, आपका दान किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के किस शहर को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश में कौन से स्थान पे है इस रैंकिंग के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर ये चौथा लास्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। चारों क्वेश्चन का आंसर जो है मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, 2019 में आप लोगों को पता है कि नगरीय निकाय चुनाव हुआ था। कुछ नगरीय निकाय चुनाव 2019 में मुख्य रूप से हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और 14 नगर निगम में से जो 4 नगर निगम है उनका इलेक्शन कुछ दिन बाद होता है। और अब जो है 2021 में नगरीय निकाय का चुनाव जो है संपन्न हुआ। कब, डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है डायरेक्ट कि नगरीय निकाय चुनाव 2021 का कब कंडक्ट कराया गया, तो आपको पता होना चाहिए 20 दिसंबर को। अब कितने जिलों में करवाया गया और कितने अर्बन बॉडीज है जहां इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, तो 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय में यह चुनाव संपन्न कराया गया। 23 दिसंबर को जो है वो मतगणना होगा। इस नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जा सकता है, तो इसे आप करके जाएंगे। जैसे कि 10 जिले 15 नगरीय निकाय में इलेक्शन कंडक्ट हुआ। इसमें से नगर निगम कौन कौन सा था ये आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान समय में कितने नगर निगम है, 14, नया कौन सा है, रिसाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 नगर निगम है, बिरगांव, भिलाई, चरोदा, इसे आप सिर्फ चरोदा भी कह सकते हैं, और रिसाली। रिसाली में जो है वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसाली कब अस्तित्व में आया, कौन से नगर निगम से अलग होकर इसे बनाया गया, कौन से संभाग में यह नगर निगम है, तो इस तरह से भी रिसाली के बारे में आपको अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि हो सकता है रिसाली से भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे। तो इसलिए रिसाली में पहली बार इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा 5 नगर पालिका परिषद है जहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, सारंगढ़, बैकुंठपुर, सिपुर चर्च, जामुला और खैरागढ़। इनके बारे में आप ना भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन नगर निगम के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार से नगर पंचायत में किस प्रकार से कौन कौन से नगर पंचायत में ये इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, इसके बारे में भी आपको पता होगा। मतदान प्रतिशत आप याद रखिएगा कि इस जो 15 नगरीय निकाय में चुनाव संपन्न हुआ है, तो इन नगरीय निकायों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, लगभग 60% यहाँ पर मतदान का प्रतिशत रहा, तो इस तरह से आपको कुछ पता होना चाहिए। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद कौन से नगर निगम के कौन महापौर बने, इसे भी हम अपडेट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी मेयर यानी कि महापौर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित प्रोजेक्ट, और इस कुछ प्रोजेक्ट को जो है भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ का जो प्रोजेक्ट था उसे सम्मानित किया गया है। तो किस प्रकार से ये कंटेंट है और यहाँ से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित प्रतियोगिता के जारी परिणाम में टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में से छत्तीसगढ़ के छात्रों का जो फसल के बीच में होता है ना, तो फसल के बीच में कभी कभी घास पतवार उग जाते हैं, तो उस घास पतवारों की पहचान कैसे किया जाए, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक स्कूल के बच्चे ने, यानी कि 2-3 बच्चे थे, एक रिसर्च किया और इस पर अपना प्रोजेक्ट बनाया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत फसलों के बीच में घास पतवार हैं उसका पहचान किया जा सके, इसीलिए टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया और इन्हें सम्मानित किया गया। ये बच्चे कहाँ के थे और किस तरह से प्रोजेक्ट था, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया कि फसलों के बीच में जो घास पतवार है उसका पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कर लिया जाएगा। अब ये बच्चे कहाँ के थे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महासमुंद जिले के शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा के छात्र का क्या नाम था, वैभव देवांगन और धीरज यादव द्वारा इसे
तैयार किया गया था। तो जिले का नाम, स्कूल का नाम, इन दोनों बच्चों का नाम और प्रोजेक्ट्स किस पर आधारित था और किनके द्वारा इनका चयन किया गया, इस बात पर आप फोकस रखिएगा। ये 4-5 पॉइंट्स हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे तो। और भारत सरकार द्वारा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल फॉर यूथ नाम का एक प्रोग्राम चलाया जाता है, इसी के तहत इन प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ ये पूरे देश भर में सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए चलाया जाता है, इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बनना चाहिए, किसी भी तरह से कोई गलती की गुंजाइश आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला जो टॉपिक है, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़। प्राधिकरण छत्तीसगढ़, ये टॉपिक का मतलब ये है, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो छत्तीसगढ़ में एक अथॉरिटी का गठन किया गया है और इस अथॉरिटी का गठन किया है छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने। छत्तीसगढ़ ने अनुशंसा किया था यानी कि छत्तीसगढ़ ने अनुमति मांगा था कि इस तरह के अथॉरिटी का गठन किया जाए। अब जब यहाँ पर आप जब इसका हेडिंग पढ़ोगे तो पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की स्थिति के बाद जिस तरह से प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका आकलन करने के लिए ही राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ यानी कि प्राधिकरण छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है। ये पूरा अथॉरिटी का नाम है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के आकलन के लिए किस अथॉरिटी का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया है, भारत सरकार द्वारा किया गया, किस उद्देश्य के साथ में किया गया है, तो पर्यावरण की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया है। इन कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। अब जब इस अथॉरिटी का गठन किया गया है तो इस अथॉरिटी के कोई अध्यक्ष होंगे, उनका भी नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसका राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया, तो 23 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर इस अथॉरिटी के गठन का जो है वो रूपरेखा तैयार किया गया। अब इस अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है, तो भूतपूर्व प्रधान है, मुख्य है वन संरक्षक यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं छत्तीसगढ़ वन विभाग के, श्री देवाशीष दास, नाम याद रखिएगा, इन्हें इस अथॉरिटी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी तरह सहायक आचार्य हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के नागार्जुन, स्नातकोत्तर विद्यालय महाविद्यालय है रायपुर में स्थित है, डॉक्टर दीपक सिन्हा, ये सदस्य हैं। और इसके अलावा सदस्य सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड को। तो इस अथॉरिटी का प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, मेंबर कौन है और मेंबर सेक्रेटरी कौन है, इतना आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसी तरह इस प्राधिकरण को अनुशंसा कौन देगा, यानी कि या जब प्राधिकरण अपना फैसला लेगा तो किसकी अनुशंसा पर यह प्राधिकरण फैसला लेगा, तो इसके लिए भी एक बनाया गया है राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट्स अप्रेजल कमेटी का गठन किया गया है, यानी कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ये कमेटी जो है रिकमेंड करेगा कि हाँ इस तरह से पर्यावरण का आकलन हुआ और ये होना चाहिए, उसके बाद अथॉरिटी जो है अपना फैसला लेगा। और इस कमेटी का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अपर प्रबंधक निदेशक हैं, भूतपूर्व वन संरक्षक हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, डॉक्टर बीपी नॉन हरे, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा इस कमेटी के बारे में भी और उस अथॉरिटी के बारे में भी, प्रिलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है नवा जतन कार्यक्रम, किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है, किस लिए शुरू किया गया है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कोरोना काल में राज्य में आपको पता है कि पूरे देश भर में स्कूल बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई को बहुत अधिक तक नुकसान पहुंचा और कुछ बच्चे जो हैं अपने कक्षा को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए लर्निंग लॉस के कारण जो कक्षा स्तर में पिछड़ गए हैं उन बच्चों को वापस से उस कक्षा में लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा जतन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये उद्देश्य आपको पता चल गया किस लिए किया गया है, क्यों किया गया है। अब इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की तरफ से इसका संचालन किया जा रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत में
SCERT जो है वो कार्य करता है। क्लियर है? लक्ष्य क्या रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है मार्च 2022 तक पीछे छूटे बच्चों को वापस से उनके वर्तमान कक्षा में और वर्तमान कक्षा में शामिल करना या फिर उनके स्तर को वर्तमान कक्षा तक लाना, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है कि पढ़ाई का खासकर बच्चों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो उसकी भरपाई के लिए, उन्हें वापस से उस स्तर पर वापस लाने के लिए नवजातन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ रखा है, आपको रिमाइंडर कराने के लिए फिर से न्यूज में था इसलिए मैंने फिर से डाल दिया। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो अनाउंसमेंट किया गया था और अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ को पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो अच्छा है, फिर से पढ़ लेते हैं, आपका बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। किस तरह से सम्मानित किया गया है, कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से कैटेगरी में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए यानी कि इनके एम्पावरमेंट के लिए तीन श्रेणियों में वर्ष 2020 के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नई दिल्ली में समारोह हुआ और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से यह पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ को किसके लिए, दिव्यांग एम्पावरमेंट के लिए दिया गया। ठीक है, अब किन्हें दिया गया, कौन से कैटेगरी में दिया गया, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी। इस कैटेगरी में किसे प्राप्त हुआ, तो बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस को। तो अगर ये कैटेगरी में आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी में किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्थानीय निकाय की श्रेणी में, तो नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी कि नवा रायपुर अटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्थानीय निकाय की श्रेणी में प्रदान किया गया है। इन्होंने क्या किया कि इस तरह से इसने पुरस्कार मिला। तो नया रायपुर में जो डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है उसमें दिव्यांगजनों का बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। अगर सीढ़ी बनाया जा रहा है तो इनके जाने के लिए भी अलग से एक रास्ता बनाया जा रहा है। तो जो भी कार्य हो रहा है तो सामान्य लोगों के साथ साथ में दिव्यांगजनों का भी ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर यानी कि अटल नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर जो नौकरी देते हैं और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में अगर आप देखोगे तो रायपुर के समता कॉलोनी में नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स को जो है इस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर और प्लेसमेंट ऑफिसर्स एजेंसी की श्रेणी में इन्हें सम्मान प्रदान किया गया। तो बेस्ट कार्य के लिए दिव्यांगजनों की श्रेणी में इस तरह से 3 पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ को अलग अलग कैटेगरी में मिला है। अगला, छत्तीसगढ़ में पहली बार मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया है यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है मखाना से संबंधित। कहाँ लगाया गया है, तो रायपुर जिले के आरन विकासखंड के ग्राम लिंगाडी में लगाया गया। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किस स्थान पर मखाना प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है, तो आंसर क्या होगा, रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडी में पहली बार लगाया गया, याद रखिएगा। और लिंगाडी के ओजस फॉर्म में मखाने की खेती प्रारंभ किसने किया था, एक बात और ध्यान रखिएगा, और इन्हें सम्मानित भी किया गया है, तो स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊ जी के नाम पर। और जो मखाने का पैकेट तैयार किया गया है वो दाऊ जी के नाम पर ही किया गया है और उत्पादित मखाना की दाऊ जी ब्रांड के नाम से जो है वो उसका मार्केटिंग किया जाएगा। तो ये 2-3 बात यहाँ पर आपको याद रखना होगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ को मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट का अवार्ड मिला है। किसकी तरफ से मिला है, कौन सा श्रेणी में मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एनवायरमेंट कैटेगरी में, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मिलने वाला है, और ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि मिल चुका है। तो ये वही टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ को कौन से स्थान पर रखा गया। अगर इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए और मतलब फिर से एक बार आपको पढ़ना है तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट हो जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में
17वें नंबर पे था, 2019 में 6वें नंबर पे था और 2020 में दूसरे पायदान पर है और 2021 में जो है वो पहले पायदान पे है। तो कब कब कौन कौन कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में, ठीक है। वैसे हम इसको पिछले टॉपिक में भी पिछले लेक्चर में भी पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में हुआ है सर्वश्रेष्ठ लंबाई के बैगन का इजाद। ये अभी पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कृषक के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जा रहा था राज्य स्तरीय, उसमें इन्हें फिर से सम्मानित किया गया है। इन्हें सम्मान जो है 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। तो देखते हैं कि ये कौन है और ये बैंगन किस किस्म का है। तो कृषक के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का समावेश कर कृषक श्री लीलाराम साहू ने बैंगन की नई किस्म का इजाद किया है, यानी कि खोज की है। तो नाम याद रखिएगा इस किसान का, लीलाराम साहू, और इस बैंगन का नाम दिया गया है निरंजन बैंगन। यह जो है अधिकतम 2 फीट तक हो सकता है। हमने कितना बड़ा बैंगन देखा है, इतना 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 इतना, लेकिन इस बैंगन की जो लंबाई है वो 2 फीट तक हो सकता है। और इसी के इजाद के लिए 2017 में इन्हें प्रणब मुखर्जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2021 में इस बैगन की नई किस्म के इजाद के लिए इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा भी जो है वो सम्मानित किया गया है, ठीक। चलिए अभी कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये धमतरी जिले के कुरुद निवासी हैं और इनकी उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य स्तरीय कृषक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक। वर्ष 2017 में मैंने बोला कि तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब अगला जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ की 3 योजनाओं को मिला है राष्ट्रीय स्तर का पहचान। ये किस आधार पर कहा जा रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला है। और किस तरह से मिला है, तो ऑफलाइन शिक्षा के लिए ब्लूटूथ आधारित उन्हें जो शिक्षा की सामग्री है उसे उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया जा रहा है बुल्टू के बॉल। और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नगद भुगतान के लिए, यानी कि अगर आपको कैश चाहिए तो उस कैश के भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे डीजी पे सखी कहा जाता है। डीजी पे सखी का मतलब डिजिटल पे सखी। कुछ एजेंसीज आपके गांव में जाएंगी, आप गांव में उस डिजिटल पेमेंट के माध्यम से बहुत आसानी से जो है वो कैश प्राप्त कर सकती हो। ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसका काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एटीएम की सुविधा ना के बराबर होता है। और इसके अलावा तीसरा योजना है गोधन न्याय योजना। तीनों का नाम याद रखिएगा। ऑफलाइन शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूटूथ आधारित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से ई शिक्षा समाधान बुल्टू के बोल चलाया जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में नगद भुगतान के लिए डीजी पे सखी नाम से योजना चलाया जा रहा है। और गोधन न्याय योजना के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। इन तीनों योजना को भारत सरकार द्वारा आजादी का जो 75वें साल के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस अवसर पर जारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की एक किताब प्रकाशित की गई है, और इसी किताब में इन तीनों को उल्लेखित किया गया है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जा रहा है। कौन सी किताब प्रकाशित किया गया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की किताब, जो कि आजादी के 75वें साल के अवसर पर, यानी कि अमृत महोत्सव के अवसर पर इस किताब को जारी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के इन 3 योजनाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिला है। इस तरह से आप यहां पर इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग सम्मान। ये भी राज्य सरकार द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ कृषक का अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसमें एक कैटेगरी है। हमने लीलाराम के बारे में जाना, जो सर्वश्रेष्ठ लंबा बैगन जिन्होंने खोज किया उन्हें सम्मानित किया गया। अब बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 6 दिसंबर को रायपुर में आयोजित किया गया था यह समारोह, और इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। और इस सम्मान में नवाजे गए हैं सुकमा जिले के रामपुरम गिदम नाला गौठान की गायत्री महिला स्व सहायता समूह को। तो बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग सम्मान 2021 से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किस महिला स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया है, तो गायत्री महिला
स्वसहायता समूह को सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट सबरी लेयर फार्मिंग एवं कड़कनाथ पालन करने के लिए। राज्य स्तरीय प्रगतिशील कृषक सम्मेलन में बेस्ट पोल्ट्री फार्मिंग का सम्मान से इन्हें जो है वो नवाजा गया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक सवाल आप लोगों का बार बार ये भी था कि करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, प्रीलिम्स 2000 जो अभी होने वाला है 2021 वाला 13 फरवरी को, तो उसमें आप अगर पूरी तरह से सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी तक के करंट अफेयर को पढ़कर जाइएगा, 15 जनवरी तक के। वैसे अगर आप 31 दिसंबर तक का भी करंट अफेयर पढ़ के जाते हो तो कह सकते हो कि आप सेफ साइड में है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में किसी तरह से कोई शंका नहीं रखना चाहते तो आप 15 जनवरी तक के करंट अफेयर को पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से पढ़िएगा। और खैर अब तो समय नहीं है, लेकिन जब समय रहता था तभी मैंने आपको बोला था, या फिर जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू देख लो, कोई आपको नहीं कहेगा कि करंट अफेयर लास्ट के महीने में प्रिपेयर करो या लास्ट के महीने में एक दो मैगजीन उठा लो वहाँ से पढ़ लो, कोई नहीं कहेगा। करंट अफेयर ऐसे प्रिपेयर नहीं होता, पूरे साल भर का पढ़िए और रिविज़न करिए लास्ट में, मैराथन क्लास के जरिए या कहीं से भी अदर जो रिसोर्सेज है वहाँ से आप प्रिपरेशन कीजिए। जब आप करेंट अफेयर का पूरे साल भर प्रिपरेशन करते हो तो ना सिर्फ आपका करेंट अफेयर प्रिपेयर होता है बल्कि आपका अदर सब्जेक्ट भी प्रिपेयर होते जाता है बहुत सारे तरीकों से, हमने कई बार उन तरीकों को डिस्कस भी किया है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर। आपको ड्राइविंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, चाहे ट्रक हो चाहे जीप हो चाहे कार हो, अगर आप किसी भी तरह का ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में इस तरह का ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़। कहाँ स्थापित किया गया है, नवा रायपुर में इसे स्थापित किया गया है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला इस तरह का ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है याद रखिएगा। और इस संस्थान में ट्रक बस टम्पर जैसे बड़े वाहनों के साथ गैर व्यावसायिक यानी कि कार ये सब सारी चीज़ों को चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 17 करोड़ की लागत से बना है, 20 एकड़ जगह में बनाया गया है, 30 दिन की आपको कमर्शियल ट्रेनिंग दिया जाएगा, 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद तुरंत आपको लाइसेंस और नौकरी तक भी यहां से आप सर्टिफिकेट लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ड्राइविंग सेंटर इंस्टीट्यूट के बारे में आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए आपसे यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला हमने पढ़ा था महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था आप लोगों को याद है, हमने पिछले साल कई बार इसे पढ़ा था 2019 में। अब भूमि पूजन कब हुआ यानी कि शिलान्यास कब हुआ, 2 अक्टूबर कब, 2 अक्टूबर 2020 को यानी कि महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिवस के अवसर पर इस विश्वविद्यालय को शुरू किया गया था। उद्यानिकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है और यह उद्यानिकी के क्षेत्र में पूरे देश भर में आप कह लो ये 6वां उद्यानिकी विश्वविद्यालय है। अभी तक सिर्फ 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ मिला के उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। अब इस उद्यानिकी विश्वविद्यालय को शुरू किया जाना है तो इसके लिए पहला कुलपति जो है वो नियुक्त किए गए हैं। और किन्हें पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, राम शंकर पुरिल को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो कि पाटन विकासखंड के सांकरा गांव में स्थित है, यहां पर इनका कुलपति पहला नियुक्त किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखिएगा राम शंकर पुरिल। और किनके द्वारा कुलपति नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। तो इतने पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। और इससे पहले जो है डॉक्टर पुरिल वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं, ठीक। पता नहीं बाहर कुछ आवाज़ आ रहा है, शायद आप लोगों को डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा इसे हाईटेक बनाने के लिए स्टूडियो को इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, इसी वजह से आपको वीडियोज़ भी जो हैं वो थोड़ा सा लेट मिल रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक। अगला जो टॉपिक है, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को
प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने का मतलब यह है कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आपका एक हेल्थ आईडी बनाया जा रहा है। उस आईडी में आपने कब किस डॉक्टर से मिला, आपको कौन कौन सी बीमारी है, आप कौन कौन सी दवाइयां खाते हैं, वो सारी चीजें मेंशन होगा, सारा रिपोर्ट उसी में होगा। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 10 तरह का पर्ची लेकर जाते हैं कि इस तारीख को मैंने इस डॉक्टर से मिला, मुझे ये समस्या था, यहाँ नहीं ठीक हुआ था, यहाँ गया, तो उस डॉक्टर को भी वो सारी फाइलों को देखने में दिक्कत होता है, आपकी आपको भी इकट्ठा करने में दिक्कत होता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है यानी कि आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत में डिजिटल हेल्थ आईडी बनाया जा रहा है और उसी डिजिटल हेल्थ आईडी में आपका सारा रिकॉर्ड होगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए तो उस आईडी को देखकर डॉक्टर आपको बता देगा कि कौन 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 सी बीमारियां, आप कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं। और इसी आईडी को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त जो है वो हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 53,067 डिजिटल हेल्थ आईडी बनाया गया। इस दौरान एक अमृत महोत्सव के अंतर्गत में मनाया जा रहा था कब से, 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक, जिसका नाम था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 के दौरान सर्वाधिक हेल्थ आईडी बनाने में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो नाम होगा छत्तीसगढ़। ठीक, देशभर में इस दौरान बनाए गए कुल 152,942 आईडीज में से अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी जो है वो लगभग 35% रहा। और ये सभी आईडीज जो है राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 350 से भी अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अलग अलग अस्पताल, अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित हैं। क्लियर। अगला जो टॉपिक है वो है रन फॉर सीजी प्राइड। एक मैराथन दौड़ का आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए। थीम यही था, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान। इसका नाम भी है रन फॉर सीजी प्राइड। आप यहां पर देख सकते हो दौड़ स्वाभिमान और गरिमा की, ये इसका थीम था। इस दौड़ का आयोजन कब किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट याद रखिएगा 14 दिसंबर को। और इसमें जो है हर आयु वर्ग के 20,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए। इस मैराथन दौड़ का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो जनसंपर्क विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। प्रथम कैटेगरी में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिकाओं को शामिल किया गया। दूसरे कैटेगरी में जो है 14 वर्ष से 60 वर्ष तक के जो पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया, और जो तीसरा कैटेगरी था वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए था। तो इन तीन कैटेगरी का नाम आप ध्यान रखिएगा और इस मैराथन दौड़ के बारे में भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है 6 कोरी 6 आगरा तरिया और बूढ़ा नरवा। ये जो नाम है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी नाम है तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। ये एक किताब का नाम है जिसका विमोचन हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। किताब का नाम याद रखिएगा 6 कोरी 6 आगरा तरिया और बूढ़ा नरवा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष में है। किनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, तो श्री गोविंद पटेल के द्वारा लिखा गया है। किताब का नाम जैसे मैंने आपको बताया, किताब का नाम याद रखिएगा, लेखक का नाम याद रखिएगा, और इसमें किस बारे में इस किताब में लिखा गया है, किनके बारे में लिखा गया है, किस बात का उल्लेख किया गया है, तो दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड में गोंड राजाओं के शासन काल में खुदवाए गए लगभग 125 से अधिक यानी कि 126 के आसपास तालाबों की जानकारी जो है वो प्रकाशित की गई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम करके कि दुर्ग जिले के धमदा विकासखंड में गोंड राजाओं के शासनकाल में खुदवाए गए लगभग 100 तालाबों के बारे में प्रकाशित हाल ही में किताब का नाम क्या है, या फिर इस किताब के लेखक कौन है। तो इस तरह से 3-4 एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रेम करके पूछे, किसी भी एंगल से पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और इस किताब के जरिए प्राचीन काल से चली आ रही जो जल संरक्षण की परंपरा होती है उसको भी अपनाने की कैसे अपना सकते हैं और उसे कैसे जो है पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो पुराने ज़माने का जो टेक्निक था, जो छोटे छोटे नाले होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, तो पुराने ज़माने के टेक्निक के आधार पर कैसे बचाया जा सकता है, इस बात का भी इसमें उल्लेख है।
अगला जो टॉपिक है, भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में मिला है देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतर क्रियान्वयन हेतु सेकंड अवार्ड मिला है। ये क्या है? तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। ये जो कैटेगरी हमने पढ़ा क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, तो जो डिजिटल माध्यम से जो ट्रैक किया जा रहा है क्रिमिनल्स को, या फिर एक थाने से दूसरे थाने को जोड़ा जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है, ये उसी कैटेगरी में अगर सरल शब्दों में कहूँ तो छत्तीसगढ़ में को बेहतर कार्य करने के लिए पूरे देश भर में सेकेंड रैंक दिया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। प्रथम स्थान पर उड़ीसा है और तृतीय स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला है, और फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फोर्थ पोजिशन। तो इस तरह से आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, खासकर छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में सबसे हास्यास्पद जो बात लगी वो ये लगी कि 5 दिन का शीतकालीन सत्र था और इस 5 दिन के शीतकालीन सत्र में पूरे लगभग 6 महीने में सरकार ने क्या किया, 4 से 5 महीने 6 महीने में सरकार ने क्या किया, विपक्ष को घेरने, सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए क्या टॉपिक होना चाहिए, इनके पास में बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं था। तो 5 दिन शीतकालीन सत्र का समय निर्धारित हुआ और यह शीतकालीन सत्र जो है 3 दिन में ही खत्म हो गया। सोच रहे हो कितनी बुरी बात है और कितना दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए कि हमसे जुड़ा मुद्दा, आपसे जुड़ा मुद्दा, इस राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस पर बात करने के लिए सरकार के पास टॉपिक ही नहीं है और इसी वजह से 5 दिन का शीतकालीन सत्र 3 दिन में खत्म कर दिया गया। तो खैर, जो भी हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको याद रखना है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। कब से कब तक डेट तय हुआ था शीतकालीन सत्र संचालित करने का? 13 से 17 दिसंबर। हालांकि ये 13 से 15 दिसंबर तक ही संचालित हुआ। एक सप्लीमेंट्री बजट पास किया गया क्योंकि सरकार को और पैसे की जरूरत थी लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए, जो 2108 करोड़ रुपए का था। क्लियर? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर साल रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। और छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का कौन सा यूनिवर्सिटी है, इसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसने देश के टॉप कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में 16वां स्थान मिला है। पिछली बार इसे 23वां स्थान मिला था। बहुत पहले जब रैंकिंग रिलीज हुआ था, आई थिंक 17, 18 या 19 के आसपास में, तो इसे 10वां स्थान भी प्राप्त हो चुका है। तो इस वर्ष 16वां और पिछले वर्ष जो है 23वें स्थान पर रखा गया था। रैंकिंग कौन रिलीज करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसके द्वारा जो है रैंकिंग रिलीज किया गया। तो देश भर में टोटल 72 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। इन 72 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में से छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 16वां है, पिछले वर्ष 23वां था। इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। हो सकता है यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ दें। तो इसका मोटो क्या है? कृषि जीवनस्य आधारस्य, इसका मोटो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे। स्टैब्लिश कब किया गया? 1987 में। वाइस चांसलर कौन है इसके? क्योंकि चांसलर तो राज्यपाल होते हैं, तो वाइस चांसलर हैं इसके संजय कुमार पाटिल। वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। तो इस तरह से आप इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके द्वारा इस रैंकिंग को रिलीज किया गया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मोटो क्या है? एग्रीकल्चर विद अ ह्यूमन, ठीक। स्टैब्लिश कब किया गया? 16 जुलाई 1929 को, लगभग आज से 92 वर्ष पूर्व। इसका बजट लगभग 7,800 करोड़ रुपए के आसपास में होता है 2018-19 के हिसाब से। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं इस काउंसिल के? तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तभी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है भारत सरकार के, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप इस एजेंसी के बारे में भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे ये कहाँ से आ गया। ये इमेज को गौर मत कीजिएगा, गलत लग गया है। अगला जो टॉपिक है वो है बस्तर की बेटी, यानी कि बस्तर की एक नाम है जिनका नित्या पांडे, इन्होंने एक अनोखा शोध किया है और छत्तीसगढ़ का नाम जो है रोशन किया है पूरी दुनिया में। कैसे? ये यूनिवर्सिटी ऑफ चिली में शोध कर रही है, बस्तर की रहने वाली है, जिनका नाम है नित्या पांडे। ध्यान रखिएगा नाम, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को देखने और इस पर रिसर्च करने के लिए कहाँ गई थी? धरती के सबसे आखिरी हिस्से में, यानी कि अंटार्कटिका क्षेत्र में। वहाँ पर इन्होंने शोध भी किया और जो इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था उसका भी इन्होंने जो है वो देखा है। ये इमेज सही है, गलत नहीं था ना? ठीक, नित्या पांडे सूर्य ग्रहण पर शोध करने गई थी, उसी से रिलेटेड है। और इस खगोलीय घटना पर शोध करने के लिए नित्या पांडे वरिष्ठ वैज्ञानिकों के दल के साथ अंटार्कटिका पहुंची थी। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी एग्जाम में पूछ दे। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो ऐसे स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। अब मान लो ये आपका सूर्य है और ये आपका यहाँ पर पृथ्वी है और ये यहाँ चंद्रमा है। तो चंद्रमा कभी कभी क्या होता है, क्या है, सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। कभी कभी आधा चंद्रमा आता है, कभी पूर्ण चंद्रमा आता है तो पूर्णकालिक सूर्य ग्रहण होता है, आधा चंद्रमा आता है तो वहाँ पर अर्धकालीन लगता है सूर्य ग्रहण। तो इस तरह से आपको सूर्य ग्रहण के बारे में भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड, ये वाला लाइन आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल हमने कई बार पढ़ा है, नेपाल में है। नेपाल का कौन सा स्थान है? लुम्बिनी, यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में, यही एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें रायपुर की खुशी ठाकुर को, नाम याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ और किसकी तरफ से यह सम्मान दिया गया है? तो इन्हें जो है पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत नेपाल की संस्था जो है ग्रीन यूथ ऑफ लुम्बिनी, नेपाल और कमला जलाधार संरक्षण अभियान और जनकपुर नेपाल और दादाजी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से इन्हें यह सम्मानित दिया गया है। पीपल नील और तुलसी अभियान के तहत इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया, इसीलिए इन्हें जो है यह सम्मान दिया गया है। नाम याद रखिएगा, खुशी ठाकुर कहाँ की रहने वाली है? रायपुर की रहने वाली है और रायपुर का जो साइंस कॉलेज है वहाँ बीएससी का फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और ये एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर भी है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेशनल क्रिकेट प्लेयर है। चलिए इसके बाद अब जो हमने जितने क्वेश्चंस एनालिसिस किया आपसे पूछा था उन क्वेश्चंस के आप एक बार आंसर देख लीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन आपका आपको देखना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और जिन्होंने देखा है उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस राइट आंसर देख लीजिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा 4। अगला, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को टॉप 10 में जगह मिला है? तो आंसर होगा रायपुर। क्वेश्चन था, नीति आयोग द्वारा 23 नवंबर 2021 को जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में नगरीय क्षेत्रों को फ्रंट रनर की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो इसका आंसर भी होगा रायपुर। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन थे, 4 का आंसर मैंने बता दिया। इस लेक्चर का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और मैंने शुरू में भी बोला था आपको कि अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर कोई मन में शंका हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, उसे हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।